आज हम इंटरनेट के बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। चाहे किसी को फोन करना हो, मैसेज भेजना हो, म्यूजिक सुनना हो, सुबह से लेकर शाम तक हम इंटरनेट को यूज करते हैं। ये वीडियो भी आप इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट काम कैसे करता है और इसे कौन कंट्रोल करता है? क्या इंटरनेट को कभी बंद किया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि ग्लोबली इंटरनेट को शट डाउन करा जा सके? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। इंटरनेट मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। बहुत सारे डिवाइसेस, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, राउटर्स, सर्वर्स, इन सारे डिवाइसेस का बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक तरह से इनका वेब है। इस नेटवर्क का काम है इन सब डिवाइसेस को कनेक्ट करना एक दूसरे से, ताकि ये बात कर सकें, यानी डेटा का ट्रांसफर हो सके इन डिवाइसेस के बीच में। लेकिन ये डेटा एक डिवाइस से दूसरे तक पहुंचता कैसे है? आप सोच रहे होंगे कि डेटा सैटेलाइट के थ्रू या केबल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 99% इंटरनेट चलता है फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू। फाइबर ऑप्टिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इंफॉर्मेशन को लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में ग्लास से बने फाइबर के थ्रू भेजते हैं। ये फाइबर बहुत थिन होते हैं, जैसे हमारा हेयर स्ट्रैंड। फाइबर ऑप्टिक केबल इन्हीं बहुत सारे थिन फाइबर से बनती है। ये डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजने का सबसे फास्टेस्ट मीडियम है। पूरी दुनिया भर में ऐसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स को अंडर वाटर बिछाया हुआ है, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, जो दुनिया के सारे कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। इन्हीं केबल्स का वेब है इंटरनेट की बैकबोन। इन केबल्स की लाइफ 20-25 साल ही है और इन्हें कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस की जरूरत रहती है। ऐसे कई इंस्टेंस हुए हैं जब किसी शिप के एंकर या किसी शार्क ने इन केबल्स को डैमेज कर दिया। ऐसे ही एक वीडियो कुछ साल पहले काफी वायरल हुआ था, जिसमें एक शार्क ने अंडरसी केबल को काट दिया था। इसी रीजन की वजह से मल्टीपल बैकअप केबल्स बिछाई जाती हैं। अब आप कहोगे कि मेरा मोबाइल फोन तो किसी केबल से कनेक्टेड नहीं है, तो उस पर इंटरनेट कैसे चल रहा है? आपके मोबाइल फोन्स पे इंटरनेट मोबाइल टॉवर से आता है। ये टॉवर्स आपके फ़ोन को 3G या 4G सिग्नल भेजते हैं, जिससे इंटरनेट चलता है। ये सब मोबाइल टॉवर्स उसी फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े हैं जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को जोड़ती है। तो अगर हम अंडरसी केबल्स की बात करें, तो इसमें कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक केबल से दुनिया के सभी देशों को इंटरनेट से जोड़ा है। इन कंपनीज को टीयर वन कंपनीज कहते हैं, जो अंडरसी सबमरीन केबल्स को बिछाने और मेंटेन करने का काम करती है। फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन बड़ी टेक कंपनीज ने भी अपनी अंडरसी केबल्स बिछाई हुई हैं। आपको क्या लगता है, जब कोई मैसेज, फोटो या वीडियो आप इंटरनेट पर शेयर करते हैं, वो कैसे इन केबल्स के थ्रू ट्रैवल करता है? इसको समझने के लिए एक फोटो का एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप एक फोटो सेंड करते हैं, तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में पहले ब्रेक होती है। एक पैकेट के अंदर उस फोटो का कुछ पार्ट और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे ये किसने भेजी और ये कहाँ जा रही है, यही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस पैकेट को एक डिवाइस से दूसरे तक पहुँचाने में हेल्प करती है। जैसे आपने सुना होगा, कंप्यूटर की भाषा में सब कुछ बाइनरी है, 1 और 0 है। तो ये पैकेट्स भी बस 1 और 0 से बने हुए हैं। अगर आप 1.1 MB की फोटो भेजें, तो उसमें 88 लाख 1 और 0 हैं। यही रीज़न है कि जब आप स्लो इंटरनेट पे किसी फोटो को डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो आपको पहले फोटो ब्लर दिखती है, क्योंकि उसके कुछ ही पैकेट्स आपके डिवाइस तक पहुँचे हैं। जब ये सारे पैकेट्स दूसरे डिवाइस पर पहुँच जाते हैं, वो डिवाइस इन सब पैकेट्स को इकट्ठा कर फोटो को रीजनरेट कर आपको दिखाता है। इंडिया में मुंबई और चेन्नई मेजर लोकेशंस हैं जो जुड़ी हैं इन अंडरसी केबल से, और यहाँ से आगे फाइबर ऑप्टिक केबल को ज़मीन पर दबाया गया है, जो हमारे हर घर को दुनिया भर के इंटरनेट से जोड़ती है।
ये कंपनीज जो ज़मीन पर इंटरनेट वायर्स को हमारे घरों तक पहुंचाती है, इन्हें हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, जैसे कि एयरटेल, जियो, BSNL। इस तरह हर देश में लोकल ISPs हैं जो उस देश को अंडरसी केबल से जोड़ती है, इन्हें हम टीयर टू कंपनीज भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंडरसी केबल्स कंपनीज और ISPs के पास एक सिग्निफिकेंट पावर है, क्योंकि ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। गवर्नमेंट के कहने पे ये ISP कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकती हैं, लेकिन इनके पास इतनी भी पावर नहीं है कि ये सब कुछ कंट्रोल कर सकें, क्योंकि आप VPN का यूज़ करके ISP के लगाए ब्लॉक को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि चाइना में गूगल, फेसबुक जैसी वेबसाइट ब्लॉक्ड हैं, जिसे चाइनीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि आम लोगों तक किस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचे और इंफॉर्मेशन सेंसरशिप करी जा सके। ISP उन वेबसाइट्स के IP एड्रेस को ब्लॉक कर देती है गवर्नमेंट के कहने पे। IP एड्रेस क्या है? IP एड्रेस एक तरह से एड्रेस है इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस का। हर डिवाइस का IP एड्रेस होता है, जैसे घर का एड्रेस होता है। आपके घर में इंटरनेट से कनेक्टेड मोबाइल, कंप्यूटर, iPad, लैपटॉप, TV, हर डिवाइस का अपना एक अलग IP एड्रेस है। ऐसे ही दुनिया के सभी डिवाइसेस का अपना IP एड्रेस होता है। इसी IP एड्रेस के थ्रू एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बात और डेटा को भेज सकता है। वैसे ही वेबसाइट्स जो सर्वर्स पे चलती हैं, उनका भी IP एड्रेस होता है। सर्वर एक तरह से एक कंप्यूटर ही है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है और वेबसाइट के डेटा को होस्ट करता है। अगर आप किसी वेबसाइट के IP एड्रेस को ब्राउज़र में टाइप करें, तो आप उस वेबसाइट के कंटेंट को अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं। अब आप पूछोगे कि आप तो डोमेन नेम लिखते हो, IP एड्रेस तो नहीं लिखते। एक्चुअली में IP एड्रेस इंसानों के लिए पढ़ना और याद रखना मुश्किल है, क्योंकि ये डिजिट्स और नंबर्स में लिखते हैं। तो डोमेन नेम एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है IP एड्रेस का। जब आप ब्राउज़र में एक वेबसाइट का डोमेन नेम लिखते हैं, तो डोमेन नेम सर्वर इस डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, जिसे आप उस वेबसाइट के कंटेंट को एक्सेस कर पाएं। जैसे अगर आप www.google.com की बात करें, तो इसमें गूगल को डोमेन नेम और .com को टॉप लेवल डोमेन नेम कहेंगे। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहें, तो आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो डोमेन नेम्स को बेचने का काम करती हैं, जैसे कि domain.com। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि domain.com को राइट किसने दिया कि वो इन डोमेन्स को सेल कर सके? क्या domain.com जैसी साइट्स कंट्रोल करती हैं फिर इंटरनेट को? यहाँ पर एक और अथॉरिटी है इनके ऊपर, ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ICANN ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है US में। आप कह सकते हैं कि ये टॉप लेवल अथॉरिटी है इंटरनेट के लिए। इसके पास पावर है domain.com जैसे साइट्स को अथॉरिटी देने की वो डोमेन नेम सेल कर सकें। तो क्या ICANN कंट्रोल करती है इंटरनेट को? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंटरनेट बहुत ही डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। तो फिर कौन कंट्रोल करता है इंटरनेट को? इसका सही जवाब होगा कि ये किसी का भी नहीं और हम सबका है। आप चाहें तो इंटरनेट का कुछ पार्ट खरीद सकते हैं, जैसे डोमेन नेम और अपनी वेबसाइट बनाकर, लेकिन कोई सिंगल एंटिटी नहीं है जो इंटरनेट को कंट्रोल करती हो। तो पूरे इंटरनेट को ग्लोबली बंद करना इम्पॉसिबल है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।